बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशाज किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन के गोला कबाब। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। आप इसको घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मैंने कैसे बनाए थे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। दो मीडियम साइज की प्याज ले लिए और उसको इस तरीके से कद्दूकस करना है। अच्छे तरीके से उसको कद्दूकस कर दे। प्याज को मैं कद्दूकस कर लिया है। दो मीडियम साइज की आपको प्याज लेनी है, उसको अच्छे तरीके से छील लें, फिर उसको इस तरीके से हाथ की मदद से कद्दूकस कर लें। ये देखिए हमारी सारी प्याज कद्दूकस हो गई है। अब क्या करना है, एक छन्नी ले इस तरीके की, उसमें ये सारी प्याज डालनी है जो हमने अभी कद्दूकस की थी, ताकि उसका सारा पानी निकाल दे। अच्छे से जोर लगाएं ताकि जो भी हमारा प्याज का पानी है बिल्कुल निकल जाए। उसका पानी ड्राई करना है ताकि हमारे कबाब अच्छे तरीके से बन जाए। इस तरीके से ये देखिए कितना पानी निकल आया है प्याज का। प्याज का हमने पानी निकाल लिया है, अब उसको प्लेट में डाल देंगे। देखिए कितनी ड्राई हो गई है प्याज हमारी, अब इसको निकाल दें। ये हमने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, दो बड़ी चिकन के, 1 kg के ये हमारे ब्रेस्ट के पीसेस हैं। इसको इस तरीके से काटना है छोटे छोटे करके, ताकि चॉपर में डालने से इजी हमारे चॉप हो जाए। अब एक चॉपर लें, उसमें आप चिकन डाल दें, थोड़े थोड़े करके डालें और ग्राइंड कर दें। अब इसको अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर दें। अब इसमें जो हमने बचा के रखी थी वो भी चिकन डाल दें। चिकन को अच्छे तरीके से चॉप कर लें, 3 से 4 मिनट तक इसको चॉप करें अच्छे तरीके से। अब चेक कर लेते हैं, चिकन हमारी अच्छे से चॉप हो गई है। ये देखें चिकन को हमने चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, इसका पानी भी निकाल लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने मीडियम साइज के चॉप किए थे उनका पानी निकाला था वो इसमें डाल दें। ये हमने अदरक लहसुन लिया है, इसको भी मैंने उसी तरीके से चॉप किया था जिस तरीके से हमने प्याज की थी, इसको भी चॉप करके हमने पानी निकाल लिया है। ये 2 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे।
अब उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाल दें बारीक चॉप करके, 3 से 4 चम्मच भर के। अब इसमें शीख कबाब मसाला डाल दें 3 चम्मच भर के, टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर डाल दें इसमें 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डाल दें इसमें 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर डाल दें 1/4 टीस्पून। साल्ट टू टेस्ट डाल दें 1/4 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च डाल दें इसमें। अब इसमें खाने वाला ऑयल डाल दें 2 टेबलस्पून भर के। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। कबाब में हमने प्याज का पानी निकाल लिया था, उस वजह से हमारे कबाब और भी अच्छे बनेंगे। आप ही पानी निकाल दीजिएगा, हर चीज ड्राई करके डाल दीजिएगा। हल्दी, हरा धनिया भी इसमें, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। प्याज का पानी भी हमने निकाल दिया था, उसको अच्छे तरीके से चॉप करके आप भी प्याज का पानी निकाल दीजिएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें भी धोकर अच्छे तरीके से उसका पानी निकाल दीजिएगा, ताकि हमारे कबाब अच्छे से बने। अदरक लहसुन को भी हमने चॉप करके डाला है इसमें। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल ना हो, ताकि हमारे कबाब अच्छे तरीके से बन जाए। चिकन को मसाले के साथ हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, आप भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसको एयर टाइट बाउल में डालकर आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब हम कबाब के शेप बनाएंगे। ये हमने थोड़ा सा पानी लिया है, ये हमने सीख लिए। अब हम इसमें इसे कबाब बनाएंगे। देखें कितना अच्छा शेप बना है छोला कबाब का। इसी तरीके से सारे कबाब आपको तैयार करने, ये बिल्कुल आसान है। अगर आप प्याज का पानी निकाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चों का जो भी पानी होता है वो सारा निकाल देंगे, तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें कितना अच्छा शेप बना है। गोला कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसका फ्राई करने का तरीका दिखाती हूँ। आप हर चीज आराम से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चले चलते हैं फ्राई करने। अब एक पैन लें, उसमें ऑयल डाल दें। ऑयल हमने 1/2 कप लिया था और उससे भी कम लिया था 1/2 कप से। अब इसमें कबाब डालते जाएं, आराम आराम से डालें ताकि हमारे कबाब टूटे ना। थोड़े थोड़े से इसको छोड़ते जाएं ताकि टर्न करने में आसानी हो। इस तरीके से सारे कबाब हम इसमें डाल देंगे। सारे कबाब हमने पैन में डाल दिए और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसको कवर करके रखते ताकि हमारे कबाब गल भी जाए और अच्छे से फ्राई भी होते जाएं और बीच बीच में हम इसको टर्न करके जाएंगे। वो मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाती जाऊंगी। अब इसको कवर करके रख दें 2 से 3 मिनट और बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है। 3 मिनट हो गए, अब हम कबाब चेक कर लेते हैं कवर खोलकर।
अब इसको फ्रेम करते जाए। सारे कबाब को अच्छे तरीके से फ्रेम करो, ध्यान रखे ताकि ये टूटे ना। अच्छे तरीके से फ्रेम करते जाए। आप अपने हिसाब से उसको फ्राई कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा डार्क कलर पसंद होता है, कुछ हल्के फ्राई खाते हैं। खाने में बहुत मजेदार होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बाजार से कई गुना ज्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दो। और आप जो मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कैसे बनाई थी। हमने सारे कबाब को टर्न कर लिया है, लो हमारी अभी भी फ्लेम जो है लो पर है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे फिर से 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट हो गए, अब हम फिर से कवर को खोलेंगे। आप इस तरीके से पकाएंगे तो आपके बहुत ही सॉफ्ट और लजीज बनेंगे। सारे कबाब अच्छे तरीके से टर्न करते जाएं। गोला कबाब हमारे पक्का रेडी हो गए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। अब हम इनको सारे कबाब को निकाल देंगे सर्विंग प्लेट में अच्छे तरीके से।